यस, लोग रात दिन मेहनत करके पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये नहीं सीख पाते कि पैसों से पैसा कैसे कमाए। ये पॉइंट्स हमारे एक मित्र ने हमें कुछ दिनों पहले बताए, तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है कुछ यही होने वाला है कि आखिर हम पैसों से पैसा कैसे कमाए। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते साथियों, माई सेल्फ दिस सर, आई एम अ लर्नर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। यस, पैसों से पैसा कमाने के लिए माई फ्रेंड आपको पैसे को सही और सटीक जगह पे इन्वेस्ट करना होगा। यस, अब इन्वेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि आप अपने पैसे और टाइम को ऐसी जगह लगाएं जहां से आने वाले समय में आपको कुछ प्रॉफिट हो, या तो आपकी अर्निंग बढ़े या तो आपका नॉलेज बढ़े, इसे कहते हैं इन्वेस्ट। लेकिन जब आप अपने टाइम और पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से कोई प्रॉफिट नहीं होता, उसे कहते हैं वेस्ट, कि आपने पूरा पैसा पूरा समय वेस्ट कर दिया। जैसे जब आप गोवा जाके उलाला करके आते हैं ना, तो आपने पूरा पैसा वेस्ट कर दिया। तो इस वीडियो में 5 सीक्रेट जानने वाले हैं कि हम अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट करें। तो सीक्रेट नंबर 1, यस, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई के कारण हमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे पिछले 10 सालों में देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो महंगाई की दर है वो लगभग 6 से 7% है, और हम अपने पैसे को जब सेविंग बैंक अकाउंट में डालते हैं तो वहाँ हमें जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 4 रुपये। ओके, महंगाई का मतलब ये है कि यदि इस साल कोई वस्तु 100 रुपये का है तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में वो वस्तु 107 रुपये की हो जाएगी। लेकिन हम अपने पैसे को यदि बैंक अकाउंट में रखते हैं तो नेक्स्ट ईयर हमको वो 104 रुपये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा पैसा 3 रुपये छोटा हो जा रहा है 100 रुपये पे। इसको डिटेल से थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपये है और उस 10,000 को आप सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, तो 10 साल बाद वो पैसा आपको लगभग 14,800 के करीब रुपए आपको मिलेगा। लेकिन जो चीज़ें यानी जो वस्तु आज 10,000 की मिल रही है वो वस्तु आने वाले 10 साल में 19,600 कुछ रुपए में मिलेगा। यानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपका 5,000 का नुकसान हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपका पैसा महंगाई के कारण 5,000 छोटा हो गया, यानी 10,000 वाला पैसा 5,000 सीधे घट गया। ओके, तो महंगाई को आप समझ गए होंगे, इस कारण हमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें लगभग 8 से 10% का रिटर्न मिलता है, जो कि महंगाई को भी ओवरटेक कर जाता है। यानी हमारा पैसा घटेगा ही नहीं और साथ में बढ़ेगा। ओके, तो सीक्रेट नंबर 2, ग्रो योर बिजनेस। यस, यदि आपका छोटा बिजनेस है, आप थोड़ा पैसा कमाते हैं, तो आप पैसे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप जब वो 8-10 साल बाद वो पैसा ज़्यादा हो सके तो आप उस पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके अपनी बिजनेस को बढ़ा कर सकें। इसलिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सीक्रेट नंबर 3, सिक्योर योर चाइल्ड। यस, यदि मान लेते हैं आज आपकी कमाई थोड़ी कम है तो आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहेंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहेंगे, या फिर अपने बेटी या बेटी का शादी करना चाहेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा मोटा रकम लगता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग है बहुत लो। तो आप जब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे तो आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा, तब आप अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आसानी से करा सकते हैं, और शादी में भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके वजह से आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। एंड सीक्रेट नंबर 4, फील रिलैक्स। यस, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। मान लेते हैं जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुश रहते हैं, आप रिलैक्स फील कर सकते हैं कि चलो यार, पैसा मैं तो इन्वेस्ट किया हूँ, मैं तो पैसा बचाया हूँ,
कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरे पास पैसा है, कोई दिक्कत होगा तो मैं समस्या को सॉल्व कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, और जब आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं तो आप अपने काम को काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो ये पॉइंट जो चौथा सीक्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसके पास पैसा जो इन्वेस्ट नहीं किया है, जो पैसा बचाया नहीं है, वो परेशान रहेगा, वो समस्याओं में उलझा रहेगा। तो इसलिए आप पैसे को ज़रूर इन्वेस्ट करें। एंड सीक्रेट नंबर 5, सिक्योर योर फैमिली। यस, जैसे मान लेते हैं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो कि मान लेते हैं आज आप ठीक ठाक हैं, चंगा मंगा है एकदम बढ़िया से, हो सकता है एक दो दिन बाद या कुछ समय बाद आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी डेड हो जाए। ठीक है, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, आप सही सलामत हो, लेकिन आपकी अचानक डेड हो जाती है। तो आप अगर पैसे को बचाए रहेंगे, पैसे को अच्छे प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करे रहेंगे, तो आपकी फैमिली को आपके बाद कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपकी फैमिली को आपके पास समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन जब आपने पैसे को बचाया होगा, आपके पास पैसे होंगे, सेव होंगे, तो उनको समस्याओं का सामना करने में सहायता मिल जाएगी। तो आई होप कि ये पांचों सीक्रेट आपको पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं कि पांचों में से कौन सा पसंद आया। और अगर इसी तरह की सीक्रेट और इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेने के लिए, फाइनेंस के बारे में जानने के लिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओके, थैंक यू, गुड बाय, लव यू।